हाँ जी बच्चों नमस्कार, स्वागत है सीताराम। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं मैं हमारे इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो अपने कक्षा जो 10 है उसके प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 3 की है। पिछली क्लास है अपन ने लगभग 3 ले ली है, जिसके अंदर पहली क्लास में बेसिक क्लियर किया, दूसरी में पहला सवाल और तीसरी में दूसरा सवाल अपन ने कंप्लीट किया। अब आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन तीसरे सवाल को पूरा फिनिश करेंगे बड़े ही अच्छे वाले आराम वाले तरीके से। तो बैठ जाइए आराम से पढ़ने के माहौल में और ध्यान दीजिए, इधर लिखने का काम नहीं है, पहले आप समझिए ध्यान से, उसके बाद में आपको उतारना है, ठीक है। चलिए सवाल को रीड करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखिए। एक तो प्रथम पद निकालना है और एक क्या निकालना बच्चों, सार्वंतर निकालना। बहुत ईजी और आसान प्रश्न है, छोटे छोटे नंबर के ये प्रश्न एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा आप। पहला प्रश्न दे रखा अपने को, पहला प्रश्न 3, -1, -3 डॉट डॉट डॉट, ये एपी दे रखी। इसका हमें क्या निकालना है, एक तो प्रथम पद और एक क्या निकालना सार्वांतर। प्रथम पद तो मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को पता है, जो स्टार्टिंग में होता है वो प्रथम पद। तो प्रथम पद लिखूंगा मैं, प्रथम पद किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं। जो स्टार्टिंग में होगा वही प्रथम पद होगा। जो स्टार्टिंग में क्या है बच्चों, 3 है, तो प्रथम पद क्या हो गया, 3 हो गया, ये खत्म, ठीक है। और सार्व अंतर निकालना, हाँ जी बिल्कुल, ये खत्म है। प्रथम पद ए बोलते हैं और ए का मान क्या होगा, स्टार्टिंग वाला, यानी 3 हो गया, खत्म मामला। और अब सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि सार्व अंतर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सार्व अंतर होता है डी, सार्व अंतर क्या होता है, डी होता है। और डी का फॉर्मूला भी मैंने बच्चों लिखवा रखा है, A2 - A1। A2 यानी कि दूसरे नंबर का पद, तो पहले नंबर का पद ये दूसरे नंबर का पद कितना है बच्चों, 1 है, फिर बीच में माइनस है, फिर A1 यानी पहले नंबर का पद। पहले नंबर का पद कितना है बच्चों, 3 है, माइनस है तो घटाएंगे, 3 में से एक घटाया, 2 बड़ी संख्या, 3 उसके पहले माइनस, तो क्या आ गया, माइनस। ये खत्म सवाल, ठीक है भाई, ये अपना आंसर आ चुका है। प्रथम पद और सार्वंतर दोनों निकालिए। दूसरा प्रश्न देखिएगा, बड़े इजी और आसान प्रश्न है भाई। -5, -1, -3, -7 डॉट 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 डॉट, ये दे रखा, ठीक है। आगे बढ़ते फिर, इसके अंदर भी प्रथम पद निकालना अपने को। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और प्रथम पद स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग में क्या है बच्चों, -5, तो ये अपना प्रथम पद हो गया, दिख रहा ना सभी को। ठीक है भाई, तो ये अपना जो है प्रथम पद भी यहां पर हो चुका है। अब बात करें आगे सार्व अंतर डी की, तो यहां पर लिखूंगा मैं सार्व अंतर डी, और इसका फॉर्मूला होगा A2 - A1। A2 यानी कि दूसरे नंबर वाला पद, तो बच्चों दूसरे नंबर वाला पद देखना, पहला नंबर दूसरा नंबर, दूसरे नंबर वाला पद क्या, -1, फिर फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, और फिर पहले नंबर वाला पद, तो पहले नंबर वाला पद यानी -5, तो ये भी -5 है भाई। दो चिन्ह साथ में होने पर एक को किस में बंद करेंगे, कोष्टक में बंद करेंगे, नहीं करेंगे, कर देंगे भाई। ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, और ये मान, ये माइनस जो है A1 के मान का है। अब देखना इसको लिखूंगा कैसे मैं, माइनस का तो एक माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 5, एक संख्या माइनस के एक संख्या प्लस की होती है, तो क्या करते हैं बच्चों, बाकी करते हैं, तो 5 में से एक जाएगा तो बचेगा 4, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है। ये हो गया खत्म, ये अपना दूसरा सवाल भी हो गया खत्म, ठीक है। अब पढ़े अगले तीसरे सवाल को, अच्छे सवाल है और छोटे हैं, ये छोटे नंबरों में पूछे जाएंगे। तीसरा देखना, तीसरा थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा डी में। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट, ये दे रखा। वैसे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि नॉर्मल जो है बटेयों में सबके नीचे सेम संख्या है ना। देखिएगा प्रथम पद क्या बोलेंगे, ए। प्रथम पद यानी जो शुरू में होता है, शुरू में क्या है यहां पर, 1/3 है, तो ये प्रथम पद तो 1/3 हो गया, खत्म मामला, ठीक। आगे बढ़े फिर, सार्व अंतर निकालना है, तो सार्व अंतर डी बराबर सूत्र क्या था, A2 - A1, ये सूत्र था अपना, ये सूत्र था भाई। अब मान रखे इसमें बराबर A2 यानी कि दूसरे नंबर का पद, पहला नंबर दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या है, 5/3, फिर माइनस का माइनस,
A1 पहले नंबर का पद कितना है, 1/3। आपको बताया मैंने कि भाई अगर बटेयों में संख्या आ जाए और बीच में प्लस माइनस आ जाओ तो क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे। पर अगर नीचे वाली संख्या सेम हो तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे देखना, जब दोनों ही नीचे वाली संख्या सेम हो तो उसको कितनी बार लिखना है आपको, एक बार। दोनों ही जगह तीन तीन है, उसको एक बार लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैसे की वैसी, पांच का तो पांच, फिर माइनस का माइनस, और फिर एक का ये एक। पांच में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, चार, और बटे में क्या आ गया, तीन। तो ये सार्वंतर कितना हो गया, चार बटे तीन। आप लिख सकते हैं सार्वंतर डी डी डी। कंप्लीट भाई, प्रथम पद स्टार्टिंग वाला डी का फॉर्मूला A2 - A1, A2 का मान सेकंड नंबर का है, A1 यानी फर्स्ट नंबर का है, बीच में माइनस हो और प्लस माइनस हो, नीचे वाली संख्या सेम हो तो उसको कितनी बार लिखनी, एक बार। ऊपर वाली पांच का पांच, माइनस का माइनस, एक का पांच माइनस एक, और पांच में से एक चला गया, चार। आया समझ में, ठीक है भाई। ये था अपना तीसरा सवाल। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथा प्रश्न देखिएगा, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9... तो प्रथम पद देखिएगा आप, प्रथम पद ए क्या होगा, 0.6 होगा, खत्म। स्टार्टिंग वाला पद सार्व अंतर डी निकालना है, A2 - A1। A2 यानी कि दूसरे नंबर का पद, दूसरे नंबर का पद देखना, पहला और ये दूसरा, यानी 1.7, फिर बीच में माइनस, और A1 यानी पहले नंबर का पद क्या है, 0.6। आ गया समझ में, A2 और ये A1, A1 यानी पहला और A2 यानी दूसरा। घटाना है 1.7 में से 0.6, तो बच्चों बाकी करने के लिए पॉइंट से पॉइंट सीन में मिलाना जरूरी है। सात में से छह गया तो एक, और ये पॉइंट का पॉइंट, और ये एक में से जीरो जाएगा तो एक, यानी 1.1। तो ये अपना आंसर कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 1.1 हो चुका है। ये हो गया अपना सार्व अनुपात। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आपको ये जो सवाल नंबर तीसरा जो आपको समझ में आ चुका होगा। बच्चों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है, रिलेटिव हो, क्लासमेट्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, अगर टेंथ में है या नाइन्थ में है तो उसको एक क्लास शेयर कर देगा, ताकि वो जुड़े हमसे और हमें भी जो है जितनी भीड़ होगी उतना पढ़ने और पढ़ाने का आनंद आएगा, मजा बढ़ता जाएगा और आपके लिए जो मेहनत दुगनी होती जाएगी। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को सीताराम।